हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और एक बार फिर मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डे केयर बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। डे केयर का सीधा सा मतलब है देखभाल करना। इस बिजनेस में मूल रूप से बच्चों को या बुजुर्गों को संभालना होता है और आपको एक लिमिट टाइम तक या दिन में या रात तक उन्हें उनकी देखभाल करनी होती है, उन्हें अपने पास रखना होता है और इस बिजनेस से आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। आजकल डे केयर रखने का काफी चलन बढ़ गया है, खासकर बच्चों के लिए, और इसकी वजह है पेरेंट्स का कामकाजी होना। घर पर किसी के नहीं होने के कारण माँ बाप को हार कर अपने छोटे छोटे बच्चों को डे केयर में उनकी देखभाल के लिए छोड़ना पड़ता है। चाइल्ड केयर या डे केयर व्यवसाय आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। माता पिता एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां वो काम पर रहते हुए अपने बच्चों को छोड़ सकें और ये आश्वस्त रहें कि उनके बच्चे अच्छे हाथों में हैं, सही हाथों में हैं। कामकाजी पेरेंट्स और न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने के कारण बच्चों की देखभाल एक बड़ी समस्या होती जा रही है। ऐसे में लोग बच्चों को संभालने और उनकी देखभाल के लिए डे केयर सेंटर की मदद लेते हैं और उन्हें कुछ वक्त के लिए उनके पास छोड़ देते हैं ताकि वो अपना काम भी कर सके और साथ में उनके बच्चों की देखभाल भी अच्छे से हो सके। अगर आप भी बच्चों के साथ काम करना या उनके साथ रहना पसंद करते हैं तो आप के लिए ये जो व्यवसाय है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। अपने पड़ोस में डे केयर खोलकर या बड़े दिन देखभाल के लिए व्यवसाय स्थान चुनकर छोटा सा जो बिजनेस है इसे आप शुरू कर सकते हैं। तो आखिर किस तरीके से बिजनेस किया जाना चाहिए, इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मेक अ बिजनेस प्लान। देखने में छोटा सा बिजनेस भले ही लग रहा होगा लेकिन वास्तव में इस छोटे से बिजनेस की बड़ी बड़ी जरूरतें हैं जिसके लिए अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक बिजनेस प्लान बनाना होगा जो कि बहुत जरूरी है। डे केयर सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपको बड़े से हॉल या फिर लॉन की जरूरत होगी। अगर आपके घर में ये सुविधाएं हैं तो ठीक है, वरना किराए पर आप इसे ले सकते हैं। बच्चों के लिए झूले, खिलौने, टीवी, किताबें, ड्राइंग का सामान, म्यूजिक और बिस्तर, डायपर, नाश्ता, खाने की चीजें और आने जाने का साधन, ये सब आपको करना होगा। और काम करने वाले सहायक, सहायिका, मेडिकल कंसल्टेंट और पानी बिजली की व्यवस्था पर भी खर्च हो सकता है इसमें, क्योंकि आपको उनको 24 जितना भी टाइम आपको उनको रखना है उस टाइम तक के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत होगी। तो ये सारी व्यवस्था आपको अपने डे केयर सेंटर में करनी होगी और खर्च का पूरा ब्यौरा बिजनेस प्लान में दर्ज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको पता चलेगा कि हर दिन आपका जो बिजनेस प्लान है, आपने जो उसमें लिमिट लिखी है, वो उससे ज्यादा है या उसके बराबर है। सेंटर में शुरू शुरू में लगने वाली लागत कहाँ से आएगी ये भी आपको उसमें ऐड करना होगा। मार्केटिंग का खर्चा और दूसरी आने जाने की अनजाने खर्चों पर भी आपको बजट में मेंशन करना होगा। इससे भी आपको इस बजट प्लान में काफी मदद मिलेगी। और अब बात करेंगे डे केयर सेंटर शुरू करने से पहले क्या करना होता है। सेंटर खोलने से पहले आपको ये देखना होता है कि आपके सेंटर में किस तरीके के बच्चों को या जो भी उस सेंटर में आना चाहता है वो कौन सी एज के हैं, एज ग्रुप भी आपको उसमें देखना होता है, यानी कि किस उम्र के बच्चों को या बुजुर्गों को आप उसमें रख रहे हैं, ये बच्चे कितनी दूर से आते हैं ये भी आपको देखना है, और जो भी आपके इस डे सेंटर में रहेगा उसको रखने का पूरा बजट है वो भी आपको बनाना होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि वो अपने बच्चे को सेंटर में दे जहां पर कम से कम बच्चे रखे जाते हों ताकि हर बच्चे पर उनका पूरा ध्यान जा सके। सेंटर में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। अपने सेंटर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करना होना चाहिए ताकि बाहर से देखकर भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को आपको सुपुर्द करने में वो कोई आनाकानी ना करे, यानी कि उनको पूरी तसल्ली हो जाए कि हाँ हमारा बच्चा या हम जिसको भी वहाँ छोड़ रहे हैं वो अच्छे से वहाँ रह सकता है। अब बात करेंगे अगर इस बिजनेस में निवेश की बात करें तो आपको निवेश कितना करना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इसमें। तो इसमें लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक आपको खर्चा आएगा इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। सबसे पहले आप अपने घर से इसको छोटे रूप से स्टार्ट कर सकते हैं या रेंट पर जगह ले सकते हैं, वहां पर आप इसे शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में छोटी व्यवस्थाओं से स्टार्ट करें, बिजनेस बड़ा होने पर आप इसमें ज्यादा निवेश कर सकते हैं। और अगला आता है कि आपको डे केयर बिजनेस में किन किन चीजों की जरूरत होगी। अगर आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसमें यूज होने वाली चीजों का पहले से ही
एक डेटा बना देना है कि आपको क्या क्या चीजें इसमें चाहिए होगी, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में जरूरत होगी। जैसे कि बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था आपको करनी होगी। झूला उनको सोने और उनका मन लगाने के लिए बहुत मदद करता है, ताकि वो परेशान भी ना हो और आपको भी परेशान ना करे। बच्चों को रिझाने की चीजें, जैसे बच्चे आपके साथ ज्यादा टाइम बिताने वाले हैं, इसलिए उनको आपको एकदम घर के जैसे माहौल आपको उनको देना होगा। इन्हें रिझाने के लिए खिलौने, जैसे उनके आइटम और छोटे छोटे ड्राइंग बुक, अलग अलग गेम, टीवी, पढ़ने के लिए किताबें, ये सब आपको सारी अरेंज करनी होगी। सोने की व्यवस्था, कुछ बच्चों को दिन में सोने की आदत होती है, इसके लिए आपको इसका भी पूरी तरह से प्रबंध करना होगा, ताकि बच्चे बिना किसी असुविधा के आराम से सो पाए। बच्चों के खाने का इंतजाम, जो कि बहुत जरूरी है। बच्चों के खाने पीने के लिए बर्तन की भी व्यवस्था आपको करके रखनी है, उनके साफ सफाई का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो ये तो होगी जो आइटम आपको चाहिए बच्चों की देखभाल के लिए आपके डे केयर सेंटर के लिए। अब बात करेंगे उन लाइसेंस की जिनकी आपको जरूरत होने वाली है। तो सेंटर की दो तरह से खोला जा सकता है। पहला जो तरीका है वो ये है कि सेंटर अपने आप ही खोलना चाहिए। अगर सेंटर की लोकेशन रेजिडेंशियल एरिया में है तो आपको लोकल अथॉरिटी से सेंटर चलाने के लिए परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा कोई और लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से आप किसी अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसमें किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने पर कंपनी द्वारा खुद आपके सेंटर की सारी जरूरी जो कानूनी कार्रवाई है उसे पूरा कर देती है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से एक प्यारा सा बिजनेस, छोटा सा बिजनेस जो डे केयर के रूप में आप इसे कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें कितनी लागत लगेगी। आप इसको घर में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आप एक कमरा ले सकते हैं, और अगर आप बड़ा कोई हॉल भी ले सकते हैं इसे शुरू करने के लिए। और जैसे जैसे आपके सेंटर में लोग आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपनी लोकेशन के हिसाब से एरिया भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी जगह चाहिए। लेकिन इतना अच्छा बिजनेस करने का मौका आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। जरूरी चीजें जो भी थी मैंने आपको सब इस वीडियो में बता दी है, और अगर आपने नहीं सुनी है तो आप फिर से इस वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं, तो आप कॉर्बिस की टीम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।